गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज के इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं मॉर्निंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, मॉर्निंग में आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं, आपके लिए ये पर्सन आज सुबह क्या सोच रहे हैं। ओके माई लवली वीवर्स, तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड एंड मैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूवर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है टू ऑफ वांड्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं सिक्स ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वांड्स और साइन है एयर साइन कुंभ मिथुन तुला एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, फायर साइन मेष सिंह धनु एरिज लियो सजिटेरियस, अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, छः नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी बर्थ डेट हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में, इन मंथ्स में, इन नंबर्स के थ्रू आपको मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। या फिर हो सकता है इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में रिटर्न वापस आ जाए। सो इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर, इन नंबर्स पर नज़र बनाए रखें क्योंकि यहाँ सारे ही कार्ड्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई पर्सन है जो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा है, या तो आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं या फिर आपका पार्टनर ही आपका वेट कर रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये और ये पर्सन रिटर्न आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पर्सन आपसे मिलेंगे, कब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, कब ये पर्सन वो इच्छाएं जो इस पर्सन ने दबा रखी हैं अपने मन में उन्हें पूरी कर सकेंगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये और कुछ लोगों के लिए अगर ये रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो भी यहाँ पर नज़र आ रही है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के रिलेशनशिप में और कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो लॉन्ग डिस्टेंस बना हुआ है ना आप दोनों के दरमियान, ये जो दूरियां बनी हुई हैं वही थर्ड पार्टी का काम कर रही हैं इस रिलेशनशिप में। इन दूरियों की वजह से आप दोनों के बीच प्यार भी कम होता जा रहा है, आपको ऐसा फील होने लग गया है और आज सुबह आपका पर्सन भी इस बात को रियलाइज़ कर पा रहा है कि आप दोनों के बीच ये डिस्टेंस ना आप दोनों के बीच प्यार को कम करता जा रहा है। तो ये पर्सन चाहता है इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करना, कुछ एफर्ट्स डालना और यहाँ पर एक्शन लेने की मूड में भी ये पर्सन आज सुबह नज़र आ रहा है। तो ये रिटर्न आने का सोच रहे हैं, देख रहे ना यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है टू ऑफ वांड्स और ये कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप दोनों ही वेट कर करके थक चुके हैं। अब आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में मूवमेंट हो और इस रिलेशनशिप को अगर आपका पर्सन कोई नाम देता है तो ठीक है, वरना आप भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएंगे और ये चीज़ इस पर्सन को भी रियलाइज़ हो रही है। इसीलिए ये पर्सन ना इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ रहा है और रिटर्न आने का सोच रहा है। तो देख रहे ना यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड है और ये कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है और इस रिलेशनशिप को कोई नाम देना चाहता है। तो देख रहे ना यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्स के साथ साथ हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है और ये कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपका पर्सन एक्शन लेने के लिए काफ़ी बेकरार है और ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर करके भी थक गया है। आज सुबह भी इस पर्सन ने काफ़ी ओवर थिंकिंग की, इस वक्त भी ये पर्सन आप ही के बारे में सोचे जा रहा है, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचे जा रहा है। इस पर्सन को बहुत फिक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच इतनी ज़्यादा दूरियाँ बढ़ा दे कि ये पर्सन आपको कभी पा ही ना सके और कभी आप दोनों एक ही ना हो सकें। तो ये नेगेटिविटी भी इस पर्सन में आती जा रही है। तो अब ये पर्सन इस नेगेटिविटी से निकलना चाहता है, आपको इस रिलेशनशिप में बनाए रखने के लिए ना इस पर्सन की तरफ से कुछ एफर्ट्स डाले जाएंगे, ऐसा इस पर्सन ने सोचा है। तो ये आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और जब कभी भी पर्सन आपके लिए एक्शन लेगा, आपको इस रिलेशनशिप को नाम देगा, तो ये पर्सन
आपकी ज़िंदगी में जब एक बार आएंगे ना तो परमानेंट रह जाएंगे और कभी नहीं जाने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस बात की तरफ ही इशारा कर रहा है कि ये पर्सन जब भी आपको कमिटमेंट देगा तो लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को निभाएगा और हमेशा ही आपके साथ में कोशिश करेगा इस रिलेशनशिप को निभाने की, क्योंकि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, सिक्योरिटी देना चाहता है। ये पर्सन आपके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं पा रहा है। अगर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ये वहाँ से मूव ऑन करके आपकी ज़िंदगी में वापस आने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड भी है हमारे पास और ये कार्ड भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भले ही ये पर्सन इस वक्त आपसे नाराज़ हो या फिर ये आपसे दूरी पर हो, बट यहाँ पर इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार भी है और ये पर्सन किसी सिचुएशन में ना बुरी तरह से स्टक है, वहाँ से निकलने की प्लान कर रहा है। इस पर्सन को इंतज़ार है तो सिर्फ और सिर्फ राइट टाइम का, जब ये पर्सन कुछ कर सके आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप और ये दोनों अलग अलग नहीं हैं और अपनों पर ही नाराज़गी दिखाई जाती है। तो ये पर्सन आपसे इसलिए नाराज़ है क्योंकि ये पर्सन आपको अपना मानते हैं और थर्ड पार्टी के साथ भले ही ये पर्सन इस वक्त हो, बट टेम्परेरी रिलेशनशिप है ये, किसी फ़ायदे की वजह से बनाया गया रिलेशनशिप हो सकता है। अदरवाइज इस पर्सन के दिल में आपके लिए ही एक प्यार वाली फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पर इस पर्सन के दिल में जो भी फीलिंग्स हैं आप ही के लिए हैं, जो पैशन है आपके लिए है। अब आपको ये पर्सन भले ही शो नहीं करते हों, क्योंकि ये पर्सन इसी तरह का इंसान है कि इस पर ट्रस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये पर्सन ना वक्त ज़ाया ज़्यादा करते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीज़न लेते हैं। कोई भी अगर छोटी सी बात भी होगी ना तो ये एक्शन लेने में बहुत स्लो रहते हैं। तो इस पर्सन की ये स्लो एनर्जी ना आपको इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं दिला पा रही है। तो ये पर्सन आपके ट्रस्ट को नहीं पा सक रहा है क्योंकि ये पर्सन काफ़ी स्लो एनर्जी में है और यही स्लो एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड में भी नज़र आ रही है। तो ये वेटिंग गेम चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, आप परेशान हो गए हैं इस रिलेशनशिप में, आप चाहते हैं मूवमेंट और आप चाहते हैं कि अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, इस रिलेशनशिप को नाम देना चाहता है, तो जल्द से जल्द ये सारे ही काम कंप्लीट करें ताकि आप दोनों एक हो सकें। अगर ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है तो फैमिली बना ले, अदरवाइज़ ये इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए हैं तो फिर कभी ना आने के लिए ही चले जाएं। तो ऐसा आप चाहते हैं कि अगर ये पर्सन नहीं चाहता इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना तो फिर आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल कर लेंगे। तो आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ और चॉइसेस हो सकती हैं जो आपको इस रिलेशनशिप में स्टक नहीं रखने के लिए इशारा कर रही हैं। तो आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा टाइम तक इस रिलेशनशिप में स्टक ना रहें, ये पर्सन जो भी फैसला लेना चाहते हैं, इस पर्सन के फैसले का आपको इंतज़ार है और आप चाहते हैं कि जल्दी से ये पर्सन डिसाइड कर ले ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, एक नई शुरुआत करें। तो आपकी ज़िंदगी इस पर्सन की वजह से जैसे कि अटक कर रह गई है, कुछ भी ऐसा अच्छा और कोई गुड न्यूज़ आपको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन की ख्याल आपके दिल और दिमाग से निकलते ही नहीं है, उसी तरह ये पर्सन भी आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। बट वही चीज़ है कि ये पर्सन डिस्टेंस पर बने हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं इस पर्सन की, जिसकी वजह से ये रिटर्न आने का सोच ज़रूर रहे हैं, बट आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस पर्सन को। और इस पर्सन के जीवन में कितनी मजबूरियां हैं ये यहाँ पर नज़र भी आ रही हैं। तो ये पर्सन अपने वक्त के बदलने का इंतज़ार कर रहा है, राइट टाइम का वेट कर रहा है। आपको इस रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहता है, रिटर्न वापस भी आना चाहता है, आपके साथ में एक नई शुरुआत भी चाहता है। तो ये पर्सन भी थक गए हैं, इस स्टक एनर्जी से वापस आना चाहते हैं, ये पर्सन निकलना चाहता है इस स्टक एनर्जी से ये पर्सन, और आज सुबह ये ओवर थिंकिंग भी इसीलिए करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।